तो दोस्तों आजकल नाइट एडिशन वेन्यू में बहुत ट्रेंडेड है, तो आज हम चला के देख रहे हैं दोस्तों नाइट एडिशन का टॉप मॉडल जो कि है आपका नाइट एडिशन में SXO DCT के साथ, जो कि फुल फीचर के साथ आता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों हुंडई हमेशा से बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, इसमें जो इंजन मिलता है 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है जो कि लगभग 120 PS के आसपास आपको पावर जनरेट करके देता है, जो कि मोर देन एनफ है दोस्तों। अब देखिए DCT जो ट्रांसमिशन है बहुत रिफाइंड ट्रांसमिशन है दोस्तों, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। ड्राइविंग का जो असली प्लेजर है आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो इंटीरियर ब्लैक है, इंटीरियर को ब्लैक कलर को मेंटेनेंस फ्री इंजन होता है दोस्तों। मैक्सिमम साइड पे जितना आप ब्लैक प्रेफर करेंगे उतना ही आपको इंटीरियर मेंटेनेंस फ्री रहेगा दोस्तों, आपका आपको गंदा नहीं होगा। साथ में नाइट एडिशन होने की वजह से आपको चैंपियन और आपका ऐसे कॉपर टच में आपको इंटीरियर दे रखा है, जो गाड़ी का बहुत अच्छा फील एंड अपील देता है दोस्तों, आपको थोड़ी सी डिफरेंस लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, आप देखिए दोस्तों मैं जो चीज दिखाना जा रहा हूँ कैमरा में थोड़ा नजदीक लेके आए कैमरा के साथ, अब देखिए दोस्तों गियर शिफ्टिंग जो है कितनी इजीली और कितनी फास्ट हो रही है दोस्तों, लैग नहीं है। अब देखिए हम गाड़ी के अच्छे भगा रहे हैं, गाड़ी को पिकअप ले रहे हैं, पर दोस्तों इसके अंदर कोई लैग नहीं है दोस्तों। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है ऑटोमेटिक IVT हो या CVT हो या AMT हो, सब में आपको लैग का पता लगता है, पर इसमें आपको नहीं पता। और टर्बो इंजन की वजह से पावर अच्छी होने की वजह से आपको फील नहीं होता है कि ये टर्बो इंजन है, 1 लीटर का टर्बो चार्ज है, बट देखिए एफिशिएंटली काम करता है, रिफाइनली आपको मजेदार ड्राइव देता है हाईवे के ऊपर। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जब आप पहाड़ों पे चलाएंगे गाड़ी आपको मजा ही लग आएगा दोस्तों, ये चीज आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके अंदर ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, कैमरामैन जी दिखाएं थोड़ा ड्राइवर वाला कंट्रोल, तो आपको यहाँ पे ड्राइव मोड मिलते हैं। देखिए अब मैं सिटी में चल रहा हूँ तो मैं इकोनॉमी मोड लगा सकता हूं दोस्तों, कि ताकि गाड़ी की जो माइलेज है बहुत अच्छी आ सके और मैं अच्छे से माइलेज ले पाऊं। उसके अलावा दूसरी बात करेंगे, अगर मैं टर्बो एडिशन मतलब हाईवे पे चल रहा हूं मुझे स्पोर्टी फील करनी है तो मैं इसमें टर्बो एडिशन कर दूंगा जो कि स्पोर्ट मोड है, तो मेरी गाड़ी जो है बहुत अच्छे से भागेगी और अच्छे से काम करेगी। साथ ही ये चीजें मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर। और देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि दोस्तों दिखाइए कैमरामैन जी, इसमें डैश कैम दे रखा है। अब देखो दोस्तों जब आप ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी का होने का कुछ नहीं पता लगता, पता आपके पास सबूत हो कि हाँ भाई ये चीज है तो आप इसमें रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। SD कार्ड आपको साथ में ही मिलता है दोस्तों, ब्लूलिंक के सारे फीचर मिलते हैं, वॉइस असिस्टेंट के साथ साथ ही आप एंजॉय कर सकते हैं सनरूफ को दोस्तों। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो भाई सनरूफ का नजारा ही लग होता है रात में चलाने का गाड़ी। उसके अलावा अगर हम ड्राइविंग प्लेजर की बात करें तो बहुत अच्छा प्लेजर है दोस्तों, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रंट का जो सस्पेंशन आता है मैकफर्सन सस्पेंशन आता है, सॉफ्ट सस्पेंशन रहता है, इजिली आपको सस्पेंस करता है और अच्छे से खड्डे में जब गाड़ी कहीं डलती है आपको खड्डा महसूस नहीं होने देता, तो जो कि सबसे अच्छी बात है। साथ ही जो IVRM है दोस्तों इसका ऑटो डिमिंग IVRM है दोस्तों, नाइट एडिशन में ऑटो DVMM का जो मिरर आता है बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। ये चीज देखिए कंपनी कोशिश करनी चाहिए कि हर एक गाड़ी में दें, आज के जमाने में थोड़ा सा पैसे जूर है, बट एडवांटेज इस चीज का है कि दोस्तों ऑटो डिमिंग होने की वजह से रात में आंखों में लाइट नहीं डायरेक्टली डलती है दोस्तों। साथ ही अगर बात करेंगे दोस्तों और गाड़ियों में मैक्सिमम साइड पे मैंने ये चीज देखी है कि आपको ऑटो शिफ्ट लॉक का फंक्शन नहीं मिलता है। अगर देखिए इमरजेंसी में कहीं आप स्टक हो जाते हैं दोस्तों तो ये फंक्शन बहुत काम आता है, कहीं देखिए मशीन है मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये इमरजेंसी में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं कहीं गाड़ी बंद हो जाती है पेट्रोल खत्म है कुछ भी होता है तो आप गाड़ी को अपने न्यूट्रल पे लगा सकते हैं जिसके कारण आप गाड़ी को मूव कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा एडवांटेज है। साथ में अगर आप ड्राइव की मोड की बात करें जो इसका नॉब है, नॉब भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इसका स्पैनर ट्यून के साथ फिनमैट गोल्डन के साथ आपको फिनिशिंग दी गई है जो कि बहुत अच्छा फीचर है। साथ ही अगर आप देखेंगे इसके अंदर एयर प्योरीफायर मिलता है दोस्तों, अब देखिए आज की डेट में देखिए जब फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करो कुछ खाना पीना खाते हैं हम, चाहे चॉकलेट्स है चाहे वो चिंगम है या फिर चिप्स है, उसकी स्मेल जनरेशन होती है दोस्तों, उस स्मेल को अब्सॉर्ब करने के लिए एयर प्योरीफायर गाड़ी के अंदर दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा चीज है दोस्तों। जब आप कहीं जाएं आपको स्मेल नहीं महसूस होगी गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत अच्छा, करते वक्त आपको साइड विजन नहीं पता लगता कि पिलर में कि गाड़ी विजन में आ रही है कि नहीं। अब देखिए जो साइड पिलर इतने अच्छे हैं स्लीक है कि मुझे सारा विजन पता लग रहा है कि दोस्तों कौन सी गाड़ी आ रही है, जब मैं टर्न लेता हूं बड़े इजिली टर्न हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है दोस्तों, बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से मैं टर्न भी ले पा रहा हूं। अगर हम ड्राइविंग प्लेजर की बात करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ दोस्तों, लगभग 1 से 2 किलोमीटर मैं गाड़ी चला चुका हूं अभी तक, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है दोस्तों। अगर हम ड्राइविंग क्वालिटी की बात करें बहुत अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी है, सस्पेंशन में ऐसा नहीं है कि दोस्तों कहीं से मुझे डिस्कंफर्टेबिलिटी महसूस कराई हो सस्पेंशन ने, चाहे मैंने खड्डे में भी हल्की सी डाल के देखी है तो नहीं महसूस हो रहा। अगर हम क्लस्टर की बात करें म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको HD म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपना ड्राइवर मोड रख सकते हैं, अगर घर में एक से जो ड्राइवर है तो अपने ड्राइव मोड अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं कि ड्राइवर 1 है ड्राइवर 2 है वो आप रख सकते हैं। साथ ही साथ HD म्यूजिक कई बार बंदे का मूड होता है कि भाई मैंने म्यूजिक नहीं सुनना है, तो म्यूजिक की जगह आप दोस्तों इसके अंदर नेचर ऑफ साउंड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेचर ऑफ साउंड में दोस्तों फॉरेस्ट का मिल जाता है दोस्तों, आप देखिए आप साउंड जो सुनाई दे रही है फॉरेस्ट की सुनाई दे रही है, कि अगर आप म्यूजिक नहीं सुनना चाहते तो आप लाइव साउंड है वो इसके अंदर सुन सकते हैं, दो की बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। साथ में अगर देखिए
नॉर्मली अगर दिखाएं कैमरामैन जी यहाँ पे, अब देखिए फोन नॉर्मली हम यूज करते हैं सारे जाने वाइफ बैठी या फ्रेंड बैठा है, तो फोन यूज करने के लिए आपको बड़ा ही प्रैक्टिकल स्पेस दे दी गई है ताकि आप स्पेस पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। प्रैक्टिकल चीजें कंपनी Hyundai हमेशा देने में महसूस करती है, तो वो चीज आप देख ही रहे हैं। अगर हम ड्राइविंग प्लेजर की बात करें तो बहुत अच्छा लग रहा है, सिंस नाउ मैंने ड्राइव किया गाड़ी ऑटोमेटिक डीसीटी टर्बो एडिशन, जो कि टॉप एंड द लाइन वेरिएंट है Hyundai का ये, और नाइट एडिशन में कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें ही होती है जो कि गाड़ी को एक अच्छा प्रैक्टिकल यूसेज वाली गाड़ी बनाते हैं। अब देखिए पिकअप पावर की बात करेंगे, आप देखिए नॉर्मली हम कंफर्ट मोड की जगह स्पोर्ट्स मोड पे आते हैं, तो देखिए गाड़ी ने एकदम से सडन से पिकअप लिया है, जो कि बहुत अच्छा पिकअप है दोस्तों। अच्छे से चल रही है गाड़ी, कंफर्टेबल होकर चल रही है, ऐसा नहीं कि आपको कोई डिस्कंफर्टेबिलिटी महसूस होने को आएगी कि भाई गाड़ी एकदम से पिकअप नहीं ले रही है, कि डिस्कंफर्टेबिलिटी महसूस हो रही है, ये सब आपको इसमें चलता रहेगा। साथ में अगर आप बात करें माइलेज की, तो लगभग टर्बो एडिशन अगर आप इजिली कंफर्ट मोड में या फिर इकोनॉमी स्पोर्ट्स में इकोनॉमी मोड में चलाएंगे, तो लगभग आपको माइलेज जो देगी ये गाड़ी 15 के आसपास लोकल माइलेज दे देगी, और मेरे पास लगभग 13-13.5 की माइलेज दिखा रही है, बिकॉज मैं अभी स्पोर्ट्स में लेकर आ रहा था गाड़ी को, अब मैंने इकोनॉमी में डाल दिया, तो गाड़ी अच्छी माइलेज निकालने की कैपेसिटी रखती है। तो लगभग सर दोस्तों सिटी में 15 की माइलेज आपकी ऑटोमेटिक जो डीसीटी है गाड़ी बड़े इजिली माइलेज दे देती है, जो कि बहुत अच्छा दोस्तों कॉन्सेप्ट भी है, बैटरी बेहतर भी है। और देखिए टर्बो गाड़ी के लिए आप देख सकते हैं मीटर दिखाइए कैमरामैन जी, आप देख ही सकते हैं इसमें माइलेज अगर आप देखेंगे तो माइलेज के हिसाब से अगर देखिए 14 की माइलेज लेके आना किसी गाड़ी के लिए बहुत मोर देन नफ वाली बात होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं 15 की माइलेज आपको गाड़ी दे रही है लोकल में, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इतनी माइलेज ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए देना बहुत जस्टिफाई है दोस्तों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों गाड़ी की ड्राइविंग प्लेजर के रिगार्डिंग, कि कैसी है गाड़ी ड्राइव करनी। अगर ड्राइव की बात करें दोस्तों डीसीटी बहुत एडवांस वेरिएंट है, तो बहुत अच्छी ड्राइविंग है, अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पैसे वसूल गए हैं, वेस्ट गए, तो आपको पैसा वसूल गाड़ी लगेगी दोस्तों। ये तो जाइए ड्राइव लीजिए ऑटोमेटिक की, और परचेज करिए आज के जमाने में, क्योंकि ऑटोमेटिक का ही ट्रेंड है दोस्तों, तो ऑटोमेटिक चाहिए परचेज कीजिए। और अगर कोई गाइडेंस की जरूरत है आपको Hyundai प्रोडक्ट लेने के लिए, तो अपने भाई को याद करिए, योर कार एडवाइजर को। थैंक यू।